तोते का रक्षक। एक बार किसी ने सम्राट कृष्णदेव राय को एक बोलता हुआ तोता भेंट किया। वो तोता बड़ी मीठी और सुंदर सुंदर बातें करता था। वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देता था। राजा को वो तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे पालने और रक्षा करने के लिए अपने एक विश्वासी नौकर को बुलाया और कहा, लो ये तोता संभालो, अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसका पूरा ध्यान रखना। तोता मुझे बहुत प्यारा है, याद रखो यदि तोते को कुछ हो गया तो तुम्हारे हक में ठीक ना होगा। अगर तुमने या किसी और ने यह समाचार दिया कि तोता मर गया है तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। नौकर ने तोते को ले लिया और उसकी खूब देखभाल करने लगा, उसकी सुख सुविधा का हर प्रकार से ख्याल रखने लगा। पर एक दिन तोता मर गया। बेचारा नौकर मृत्यु दंड के भय से थर थर कांपने लगा। वो जानता था कि तोते की मृत्यु का समाचार सुनते ही महाराज उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देंगे। बहुत देर सोचने के बाद वो भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, बात सचमुच बहुत गंभीर है। वो तोता तो महाराज को बहुत प्रिय था, पर तुम चिंता मत करो, कुछ उपाय मैं सोच ही लूंगा, तुम केवल चुप रहना। तोते के विषय में महाराज से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं संभाल लूंगा। तेनालीराम महाराज के पास पहुंचा और घबराया हुआ बोला, महाराज वो आपका तोता, क्या हुआ तोते को, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तेनालीराम बात क्या है? महाराज ने पूछा तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज आपका वो तोता अब बोलता ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया है, न खाता है न पीता है और न पंख हिलाता है, बस सूनी आंखों से ऊपर की ओर देखता रहता है, उसकी आंखें तक नहीं झपकती। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बहुत हैरान हुए। वो स्वयं तेनालीराम के साथ चलकर तोते के पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तोते के प्राण निकल चुके हैं। झुंझलाते हुए वो तेनालीराम की ओर मुड़े और बोले, सीधी तरह से क्यों नहीं कह दिया कि तोता मर गया है? तुमने सारी महाभारत सुना दी लेकिन असली बात नहीं कही। महाराज आप ही ने तो कहा था, अगर तोते के मरने का समाचार आपको दिया गया तो तोते के रक्षक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर मैंने आपको उसकी मृत्यु का समाचार दिया होता तो बेचारा नौकर अब तक मौत के घाट उतार दिया गया होता, तेनालीराम ने कहा। उसकी बात सुनकर सम्राट कृष्णदेव राय मुस्कुरा पड़े। वे तेनालीराम से बहुत प्रसन्न हुए कि उसने उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति को प्राण दंड देने से बचा लिया।